आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में आधार एक्ट को कुछ पोर्शंस को स्ट्राइक डाउन किया है, कुछ पोर्शंस को रीड डाउन किया है। वैसे तो पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है, लेकिन ये बोल दिया है कि पहली बात तो कोई निजी कंपनी आधार कार्ड किसी भी चीज़ के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है, और उसमें भी किसी भी व्यक्ति का अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसको उसका जो एंटाइटलमेंट है उस स्कीम में वो डिनाई नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा विवाद इस पर हुआ कि ये कानून आधार एक्ट जो कि मनी बिल की तरह लाया गया था कि क्या इसको मनी बिल की तरह लाया जा सकता है कि नहीं, जिसमें मेजॉरिटी ने शायद ये बोला है कि हाँ उसको मनी बिल की तरह लाया जा सकता था, लेकिन ये भी बोला है कि मनी बिल की तरह कोई कानून लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता ये सिर्फ स्पीकर नहीं तय कर सकता, और स्पीकर का डिसीजन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस चंद्रचूड़ की है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये आधार एक्ट मनी बिल की तरह नहीं लाया जा सकता था और इसलिए ये पूरा एक्ट वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि गलत तरीके से पास किया गया। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें कि आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। पहला रिलीफ तो ये कि इतने सारे ये प्राइवेट लोग आधार को इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई आप आधार कार्ड दीजिए नहीं तो हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, आपका हम एडमिशन नहीं करेंगे, आपको मोबाइल सिम कार्ड नहीं देंगे, आपको हम ट्रैवल नहीं करने देंगे। इस सब को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई ऐसा नहीं मांग सकता और ऐसा मांगना बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा।